हेलो दोस्तों, तो यूनियन बैंक में आपका अकाउंट है दोस्तों, और आप चाहते हैं कुछ बैंक में जो जमा फॉर्म होता है, जमा पर्ची होती है, उसको कैसे हम लोग फिल करने, इस बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूनियन बैंक का जो फॉर्म होता है, जमा पर्ची फॉर्म होता है, उसको हम लोग कैसे फिल करते हैं। बस 2 मिनट का खेल है फ्रेंड्स, आप आसानी से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है यूनियन बैंक का जमा पर्ची फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग फिल करते हैं। और ये देखिए, ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म को फिल करके रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो सके और मैं आसानी से आपको इसको समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कहां हम लोग क्या क्या फिल करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमको यहाँ पे फिल करना होता है इस बैंक के इस फॉर्म में, वो होता है फ्रेंड्स डेट। आपको यहाँ पे डेट डालना होगा किस दिन आप पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए 10 जनवरी 2022 को मैं ये पैसा जमा कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे उस डेट को फिल कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड ऑप्शन ब्रांच का, कि आपका जो बैंक है वो किस ब्रांच में है। मेरा बैंक बोरिंग रोड में, तो मैंने यहाँ पर बोरिंग रोड फिल कर दिया, ठीक है। अगर आपको ब्रांच का नाम नहीं पता है दोस्तों, तो आप अपने पासबुक को ओपन कीजिए, आपके पासबुक में ब्रांच नाम दिया रहता है, फर्स्ट पेज में ही दिया रहता है, आसानी से वहाँ पे देख कर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको ऑप्शन होगा, जो फिल करना होगा आपको, आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, ये आपको फिल करना होगा। अगर आपका अकाउंट नंबर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे फिल कर दीजिए। नहीं याद है तो पासबुक को ओपन कीजिए, फर्स्ट पेज में आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, उसको देख कर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आप फिल करना होता है वो होता है अमाउंट, आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। एंड उसके जस्ट नीचे भी आप सेम अमाउंट को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बगल में देखते हैं इन वर्ड में लिखा, ठीक है, आपको सेम अमाउंट को यहाँ पे वर्ड में लिख देना है कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये साइड आपका कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद फिर से देखिए, मैं आपको बता दूँ, इधर में आपको भरना होता है सेम चीज, वहाँ पे ब्रांच भरना होता है, आपका बैंक किस ब्रांच में, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालना होता है, ठीक है, किस दिन पैसा आप जमा कर रहे हैं। 10 तारीख जनवरी महीना और 2022 आपको पूरा कॉलम को यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है पैन नंबर, जिसको मैंने फिल नहीं किया है। मैंने इसको फिल इसलिए नहीं किया कि मैंने जो यहाँ पे अमाउंट जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो मैं जमा कर रहा हूँ, वो 5000 का है, ठीक है, ठीक है, मैं 5000 जमा कर रहा हूँ। लेकिन पैन कार्ड आपको जरूरत पड़ेगा फ्रेंड, जब 50000 से ज़्यादा अपने अकाउंट में जमा कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना नेसेसरी हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं 5000 ही जमा कर रहा हूँ, तो मुझे पैन कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सबमिट करने का, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जैसा कि आपने इधर फिल किया था, ठीक है, तो आपको यहाँ भी फिल कर देना है। एंड उसके बाद आता है आपकी यहाँ पे क्रेडिट ऑफ, यानी कि किसके नाम से जमा हो रहा है, किसके अकाउंट में ये पैसा जमा होगा। तो जिसके अकाउंट में पैसा आप जमा कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फिल कर देना। अगर अकाउंट आपका है तो बेशक अपना नाम फिल कर दीजिएगा, लेकिन अगर अकाउंट आपके रिलेटिव का है, आपके फैमिली मेम्बर का है, पापा का, मम्मी का, या फिर भाई का, तो उनका नाम यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है, ना कि अपना नाम सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट है तो बेशक अपना नाम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे फिर से आपको वर्ड में यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में आपको बता रहा है कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, जो आपके पास नोट अवेलेबल है, वो नोट जो करेंसी है कितने का कितना, यानी कि अगर 500 का नोट है तो 500 का कितना नोट है, 2000 का नोट है तो 2000 का आपके पास कितना नोट है, आपको फुल डिटेल आपको यहाँ पे देना हो। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि मेरे पास देखो भाई 500 का जो नोट है वो 8 है, तो मेरे पास हो गया 4000, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास 100 का जो नोट है वो 10 है, तो मेरे पास हो गया 1000। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास हो गया टोटल 5000। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बता दिया, आपको भी यहाँ पे इस तरह से फिल कर देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल तो कर ही देना है कितना आप जमा कर रहे हैं। एंड उसके बाद सबसे नीचे एक और ऑप्शन आता है जिसको आप यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर आप कर सकते हैं, आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आप पैसा पापा के अकाउंट में भी जमा कर रहे हो, मम्मी के भी अकाउंट में जमा करो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पैसा खुद जमा कर रहे हैं, आप अपने हाथ से यहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट है तो भी आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, मम्मी पापा का अकाउंट है तो भी आप यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर सकते हैं। फाइनली ये फॉर्म आपका हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट। इस तरह से हम लोग यूनियन बैंक में जमा पर्ची जो होता है उसको हम लोग फिल करते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड जय हिंद।